गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और ये है मनाली ब्लॉग पार्ट टू। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बाय टेलिंग यू वेयर आई स्टेड इन मनाली। सो आई स्टेड इन दिस रिजॉर्ट कॉल्ड स्नो फ्लेक्स रिजॉर्ट। लेट मी शो यू द रूम। ये थोड़ा सा कचरा है क्योंकि मैंने ये सेकेंड या थर्ड डे पे शूट किया था। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। द रूम इज डिसेंट, हीटर भी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। बालकनी से व्यू कुछ ऐसा है, यू कैन सी स्नो क्लैड माउंटेन्स, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स। दिस इज द वॉशरूम। ये रिजॉर्ट में शाम को बॉन फायर और लाइव म्यूजिक भी होता है कभी कभी, विच इज लाइक चेरी ऑन द केक। यहाँ का ब्रेकफास्ट इज डिसेंट, यू गेट डिसेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस, जैसे एग्स, इडली, पराठे, पूरी भाजी, ये सब मिल जाता है। टेस्ट वाइज भी डिसेंट था। यहाँ का अंडा मुझे अच्छा लगा था, मैंने मोस्टली रोज अंडा ही खाया था। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए सोलांग वैली के लिए। इट्स अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मनाली। सोलांग वैली 14 टू 15 किलोमीटर्स है मनाली से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ मनाली। आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। सो सोलांग वैली यहाँ पे कहीं ऊपर है, ये देखिए, ऐसे बर्फीले पहाड़ों पे जा रहे हैं। आपको ऊपर जाने के लिए ऐसा डंगरी पहनना पड़ता है या ओवर साइज कोट। दिस इज फॉर 250 रुपीज। क्या कर रहे हो? ये देखिए, एवरेस्ट चढ़ने जा रहा है ये। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग फॉर समिट, बाय। अरे अरे, जा रहा है क्या सही में? ये ऐसे जाएगा समिट के लिए, ऐसे सॉक्स दिखा दे। ये मेरे को बहुत लूज हो रहा है। बच्चों का दे दो, चार नंबर। हाँ, ये बराबर। क्या बोला? बच्चों का आएगा चार नंबर। हाँ, चार नंबर बच्चों का होता है। यू स्टिल बिलोंग टू द किड्स सेक्शन। ग्रो अप। म्यूजिक। जहाँ पे आपकी कार पार्क होती है और सोलांग वैली, उसके बीच में 4 to 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसके लिए या तो आप हॉर्स राइडिंग चूज कर सकते हो या तो एटीवी राइड। वी चोज एटीवी राइड। 1000 रुपीज पर एटीवी राइड होता है, टू एंड फ्रो, आना और जाना दोनों आपका उसमें कवर हो जाता है। सोलांग वैली में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। इनफैक्ट इट्स नोन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड स्नो। यू कैन ट्राई जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्यूब टायर, स्कीइंग, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये पी रहे हैं हम। बस दिस इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। स्नो मिलता है, लाइक यहाँ पे आपको गारंटीड स्नो मिलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में स्नोफॉल भी होता है ढेर सारा। पहाड़ों पे ना मैगी खाने का अपना ही मजा है। तो ये था सोलांग वैली। अभी ना बहुत ठंड पड़ रही है, एंड मेक श्योर कि आप वॉक किए सब थोड़ा ध्यान से ही करो। बहुत लोग यहाँ पे गिरे, हम सब गिरे, सब एक एक बार यहाँ पे गिरे। एंड दिस इज इट फॉर सोलांग वैली। इसके बाद हम लंच करने जाएंगे एक बहुत ही आइकॉनिक जगह मनाली की। वैसे आइकॉनिक आई मीन इट, बहुत पॉपुलर है। सीधा आपको लंच के लिए मिलती हूँ, फिलहाल हमने मैगी एंजॉय करी है। मैगी बहुत इतनी गर्म है और ये व्यू देखिए आप। After Solang Valley, we went to Manali's one of the most famous cafes. It's called Cafe 1947. वहाँ के इटालियन फूड के बारे में मैंने एक्चुअली बहुत सुना था, सो वी ट्राइड सम पिज्ज़ा, पास्ता एंड बर्गर ओवर देयर। रेड हॉट चिली पेपर पिज्ज़ा मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज़ वेरी सिंपल, परफेक्ट पिज्ज़ा, परफेक्ट बेस। Pizza sauce was delicious and jalapenos were bringing such good flavors. Pasta was okay, मुझे पास्ता थोड़ा bland लगा था। पहले bite में अच्छा लगा क्योंकि cheese थी बहुत सारी, but later pasta मुझे बहुत okay लगा। Burger was delicious. हमने nachos भी try किए, nachos भी बहुत अच्छे थे। But the highlight of our meal was the dessert. Dessert was so delicious. We had a warm chocolate cake. It was amazing. After this, we went to our hotel. हमने वहीं पे थोड़ा chill मारा, चाय पिया, उसके बाद हम निकल गए मॉल रोड के लिए।
गुड इवनिंग गाइज, अभी मैं फिर से आ गई हूँ द मॉल, मॉल रोड में। ये प्लेस ना एक्चुअली मुझे से थोड़ी अच्छी लगी थी, बहुत टूरिस्टी है पर ऐसे काफ़ी चिल है। आज हम यहाँ पे कुछ ऐसा शॉपिंग या विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्राई कर रहे हैं स्ट्रीट फूड। जब से मैं मनाली आई हूँ मैंने कुछ इतना स्ट्रीट फूड नहीं खाया है, तो मैंने सोचा लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रीट फूड क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जगह है विच इज़ कॉल्ड चाट कॉर्नर एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे आप भीड़ देखिए। लेट्स गो एंड हैव सम चाट। पहली चीज हम ट्राई कर रहे हैं वो है सिद्धू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये लोकल सिद्धू है जो हिमाचल में बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम है। सो ये देखिए, लुक्स में हल्का सा मोमो जैसा लग रहा है ना, बट इसकी स्टफिंग देखिए आप। दिस इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर बट इट हैज वॉलनट्स, धनिया, इसकी पूरी स्टफिंग होती है और ये काफी थिक है लेयर वाइज। चटनी, ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी स्टफिंग तो बहुत अच्छी है बट आई थिंक इसकी खास बात ये इसकी ब्रेड भी है जो व्हीट फ्लावर से बनी हुई है और इसकी एक पेक्यूलियर आफ्टर टेस्ट भी है। तो सेकेंड चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं वो है आलू टिक्की चाट। आलू की टिक्की जो इतना सारा तेल यूज करके इन्होंने बनाई, चटनी लॉट्स ऑफ, और ऊपर से इन्होंने गार्निश किया है रेडिश, सम कैरेट। वैसे बहुत लोग यहाँ पे आलू टिक्की चाट खा रहे थे भाई। पहले खट्टा लगा फिर मीठा, अभी अचानक से इतना तीखा लगा यहाँ पे। और ये जो आलू टिक्की है जैसे मोटी है, ढेर सारा तेल यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। बहुत सिंपल है, सिर्फ अंदर आलू और स्पाइसेस। बट भाई ये जो चटनी है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ 3 डिफरेंट चटनीज एंड इट्स सो फ्लेवरफुल। जो नेक्स्ट चीज आज हम ट्राई कर रहे हैं वो है लाफिंग। यहाँ पे हमने देखा कि मिल रही थी और फिर हमने भैया जी से पूछा कि कैसे बनती है, इट्स अ लोकल डिश। फर्स्ट टाइम सुना है मैंने डिश के बारे में। राइस फ्लावर होता है, उसके अंदर उन्होंने डाली ग्रीन चिली, गार्लिक पेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, और इसे फिर रोल किया। बहुत स्पाइसी है, जो लेयर है बाहर वो काफ़ी चिल्ड है, ठीक है, बट अंदर इट्स सो स्पाइसी कि इट्स ब्रिंगिंग ऑल द वॉर्म। गार्लिक का भी इतना सही टेस्ट आ रहा है, जो लेयर है बाहर का हैज इट इज स्टिकी फीलिंग टू इट। आई लव स्पाइसी फूड सो आई एम लविंग दिस, इफ यू डोंट लाइक स्पाइसी फूड डोंट ट्राई। गाइस वो जो लाफिंग हमने खाया बहुत स्पाइसी था, हम चॉकलेट लेके आए हैं अभी, बहुत स्पाइसी था बट बहुत मजा आया खा के। नवीन को तो बहुत मिर्ची लग गई बट मजा आया खा के। जिस कारण मैं लाफिंग लेके इट विल मेक यू क्राई, सुना है कॉल लाफिंग बट विल मेक यू क्राई। वी आर नाउ ट्राइंग सम मोमोज, शेर पंजाब के बारे आटा मोमोज मिल रहे थे। ये देखिए ये हैं चिकन मोमोज, ये कितने बड़े हैं, ये देखिए इनकी शेप ऐसे थोड़ी समोसे जैसी है बट कितने ही बड़े हैं। फिलिंग देखिए, धनिया, चिकन, कांदा, हल्का सा गार्लिक, चटनी बहुत मस्त है, लेयर थोड़ी सी मोटी है। After having all that spicy food, it's now time to have
है गुलाब जामुन। दीज आर सो टाइनी सो वॉर्म, 30 रुपीज के मिलते हैं हाफ प्लेट, एकदम गर्मा गर्म, मजा आ गया। ये लोग अभी निकले हैं, बस लकी टू गेट लास्ट में। ये पक्का ट्राई करना है, कमिंग हुए हो डेफिनेटली, यू कांट मिस दिस। इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कसोल, नॉर्थ इंडियन फूड खाएंगे हम मनाली में, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ मनाली, बट उसके बाद चंडीगढ़ फूड वीडियो भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दैट। पार्ट वन भी देखिएगा इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ मनाली लोकल साइट सीइंग। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन, डू ऑल ऑफ दैट। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हाउ बी योर फिश, बाय।